जानते हैं कि बिजनेस आजकल थर्ड जनरेशन तक नहीं चल पा रही है। यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक स्टोरी बताएंगे और आपकी यही सोच को हम गलत साबित करेंगे। शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इंडिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन श्री ओपी जिंदल की बात कर रही हूँ। उस शख्स ने जमाने को जीना सिखा दिया, दीवारें जहां मिली दरवाजा बना दिया। जी हाँ, ऐसे ही तो थे श्री ओपी जिंदल, जिन्हें लोग प्यार से बाऊजी बुलाते थे, जिन्होंने लाखों लोगों को सपने देखना सिखा दिया और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। ये बताया कि दीवारें सिर्फ तभी तक रास्ता रोक सकते हैं जब तक कि दरवाजा ना बन जाए। ओपी जिंदल का जन्म 7 अगस्त 1930 में हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। देशभक्ति से वो इतने प्रेरित थे कि आज तक उन्होंने जितने भी फैसले लिए उनके पीछे देशभक्ति सबसे बड़ा जज्बा था। देश की आज़ादी के बाद भी ओपी जिंदल को महसूस हुआ कि देश को एक और क्रांति की ज़रूरत थी और वो थी कारोबार की क्रांति। उन्हें ना ही कारोबार का कोई अनुभव था और ना ही कोई पूंजी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रण लिया कि देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। और इतने चुनौतियों पर विजय पाकर श्री ओपी जिंदल मैन ऑफ स्टील बने, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत की स्टील इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, बल्कि उनकी फौलादी इरादे, कभी हार ना मानने की जिद, शिखर पर पहुंचने की विनम्रता और सबको साथ लेकर चलने का अंदाज ही उन्हें सबसे अलग करता है। जिसने देश को आगे ले जाने की जिद में खुद को समर्पित कर दिया, वो ही थे श्री ओपी जिंदल। धीरू भाई अंबानी अगर आज होते तो शायद दोनों भाइयों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट कभी नहीं होती। अंबानी परिवार के औद्योगिक साम्राज्य के बंटवारे के वक्त मुकेश और अनिल अपने अपने हिस्से से खुश थे, लेकिन जल्दी ही दोनों के कारोबारी हित आपस में टकराने लगे और फिर छिड़ गई ऐसी जंग जिसका अंत अगर प्यार से नहीं होता तो धीरू भाई अंबानी का सपना भी बिखर सकता था। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 में तिनसुकिया असम में हुआ था। वो श्री ओपी जिंदल की पत्नी है। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पति की बनी हुई कंपनी को संभाला एंड उन्हें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की चेयरपर्सन की पद मिली। वो बहुत ही विनम्रता के साथ कारोबार की जिम्मेदारी अपने चारों बेटों को सौंप दी। फोर्ब्स मैगजीन 2016 के अनुसार सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला थी एंड उनको भारत की एक पावरफुल लेडी भी माना जाता है। उनके पति के देहांत के बाद वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली एंड उनकी कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे। क्या हुआ, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि आगे अंबानी फैमिली के बीच में सब झगड़े हो रहे हैं और सब बिजनेस सब अलग कर रहे हैं उनके, तो मुझे अभी चिंता हो रही है कि अपना भी इतना बड़ा कारोबार है और अपने चार बेटे हैं तो फिर आगे जाके क्या हो। आप चिंता मत करो, अपने चारों बेटे बहुत समझदार है, वो आगे बढ़कर ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे चारों बेटे बहुत समझदार है और आगे जाके अगर कुछ भी हुआ तो एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, पर ऑलवेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मुझे कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आगे जाके हमारी फैमिली को ऐसा कोई सिचुएशन फेस ना करना पड़े। हाँ, आपकी बात तो सही है, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ओपी जिंदल के चार बेटे थे, पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल। आइए देखते हैं उनके पिताजी के देहांत के बाद क्या हुआ।
अब तो तुम्हारे पापा नहीं रहे, पर मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे पापा का फैसला था वो मैं तुम सबको बताऊं। वो चाहते थे कि तुम सबको एक एक कंपनी दे। तो नवीन, तुझे मिलता है जिंदाल स्टील एंड पावर। सज्जन, तेरे नाम पे GSW स्टील। पृथ्वीराज को जिंदाल 100, रतन को जिंदाल स्टेनलेस। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि तुम चारों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर एक कंपनी में बाकी के तीन भाइयों का भी शेयर रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि तुम तुम्हारे पापा का नाम रोशन करोगे और तुम्हें उनके फैसले मंजूर रहेंगे। हाँ माँ, हमें उनका फैसला मंजूर है। जी माँ, आप चिंतित मत हो, हम पिताश्री का नाम रोशन करेंगे और हम चारों भाई मिलजुल के रहेंगे और हम ये जिंदाल ग्रुप का नाम कभी डूबने नहीं देंगे। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है और मैं यही चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे जीवन में खूब तरक्की करो। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि श्री ओपी जिंदाल अब हमारे बीच नहीं है और उनके कारोबार की पूरी जिम्मेदारी अब मैं और मेरे चारों बेटे संभालेंगे। एक ऐसा वक्त आया जब श्री ओपी जिंदल के बड़े बेटे पृथ्वीराज जिंदल की कंपनी को किसी समस्या के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तब उनके भाइयों ने उनकी मदद करी। आइए देखते हैं कैसे। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, हमें पता है भैया कि आपको क्या मुसीबत अभी हो रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों भैया तुम्हारे साथ हैं और आपके जितने भी शेयर्स हैं वो हम सब हम दोनों खरीद लेंगे, जिससे बाहर मार्केट में पता ना चले कि क्या हुआ है और घर की बात घर में ही रह जाए। जी भैया, ये अच्छा आइडिया है, इससे हमारे फैमिली का नाम भी खराब नहीं होगा। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि तुम आज भी अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो। हमारे पापा ने अपने विल में ऐसा लिखा था कि हम सबकी कंपनी में एक दूसरे का क्रॉस होल्डिंग होगा, पर अब ये वक्त आ गया है कि हम सब सेपरेट हो जाए। इस सेपरेशन से ये मत समझना कि हम चारों के बीच में प्यार कम हो गया है या हम चारों के बीच में कोई दूरियां आ गई है। जी भाई, इस आप सही बोल रहे हैं, इससे हम एक दूसरे की कंपनी में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और हम चारों कभी भी जरूरत होगी एक दूसरे के लिए खड़े भी रह पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही वक्त है ये फैसला लेने का। नवीन और सज्जन जिंदल एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। इन दोनों के बिजनेस में एक दूसरे के वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने ये फैसला लिया। सुन भाई, तुझे बताया हम दोनों एक ही बिजनेस में हैं, हम दोनों की ऐसे प्रोडक्ट लाइन एक ही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम दोनों जियोग्राफिकल डिवाइड कर दे अपना बिजनेस। जैसे तू नॉर्दर्न में बिजनेस करेगा और मैं सदर्न में बिजनेस कर दूंगा। सो तेरा क्या मानना है इसके बारे में? जी हाँ, ये कंपटीशन कट करना के लिए बिल्कुल सही डिसीजन है। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिलीज में बिजनेस को लेकर कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और अक्सर उनके बीच में दरार पैदा हो जाती है, लेकिन अभी जैसा हमने देखा जिंदल फैमिली एक मिसाल कायम करी और आज पूरी फैमिली अलग होते हुए भी हमेशा एक दूसरे के साथ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ओपी जिंदल का जो भी डिसीजन था अपने सक्सेशन प्लानिंग को लेकर वो काबिले तारीफ था और इनकी स्टोरी पूरे देश के लिए एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करती है। Yeah.
एक्शन इससे हमारा Yeah, it's okay, go on. इससे हमारे फैमिली का नाम भी खराब नहीं होगा Once more.